कोणार्क अपना शहर अपनी बात। उल्हासनगर 5 प्रेमनगर टेकडी परिसरात सुधांशु महाराजांच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। प्रसंगी भक्तांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली। आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि आज से 62 साल पहले इस संसार में महर्षि का अवतरण हुआ था। और उस अवतरण के बाद यहाँ पर जो पुरानी प्रथाएं थी, पुरानी गलतियाँ थी, पुरानी बहुत सारी ऐसी बातें चल रही थी जो समाज को भी खा रही थी और धर्म के नाम पर भी अन्याय हो रहा था, उसे मिटाने के लिए महर्षि ने एक मूवमेंट चलाई। और वो मूवमेंट आज विश्व जागृति मिशन के रूप में एक वटवृक्ष की तरह हो गई है, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों को जीवन जीने की कला आ गई है। उन्हें ये समझ में आ गया है कि वास्तविक धर्म क्या है, और वास्तविक धर्म है इंसान की सेवा करना, न कि पत्थरों की सेवा करना। और आज पूरा विश्व जागृति मिशन उसी राह पर चलकर संसार को रास्ता दिखा रहा है। आज हम यही सीखेंगे गुरुवर से कि गुरुवर हमें शक्ति दो, आगे चलते हुए हम आपके बताए हुए राह पर चलते हुए समाज को सुधार के रास्ते पर ले जाएं, अपने आप को धर्म के मार्ग पर ले चलें। बस यही हम आज के लिए सीखेंगे। असां विश्व जागृति मिशन जो हर आरतवार ते शाम 5-7 ताईं सत्संग थींदो आहे। असां सभिनी उल्हासनगर नगर वारनि खे ऐं जेके बि असां गुरु भाई आहिनि सभिनी खे वेनती था कयूं, उहे हर आरतवार ते अचनि ऐं सत्संग जो लाभ वठनि। परम पूज्य सुधांशु महाराज के अवतरण दिवस की सब उल्हासनगर वासियों को लख लख बधाइयां। गुरु जी हमारे पूजनीय है, उनके प्रवचन से और आदर्शों से हमें लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ज़िंदगी क्या है, जन्म धर्म की दिशा क्या है, क्या इंसान के संस्कार होने चाहिए, तो हम लोग ने काफ़ी कुछ प्रेरणा ली है। और मैं सभी को विनती करूँगा कि इससे आदर्श सत्संग का हमेशा लाभ लेते रहे। संडे के दिन जैसा कि हमारे ये प्रेमनगर टेकड़ी आश्रम में प्रोग्राम होते रहता है, तो वहाँ पे आशीर्वाद लेने को ज़रूर आइए।